लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया कभी भी घूम सकता है। जिन दावों और वादों के साथ सत्ता में भाजपा आई थी, वो दावे और वादे धीरे धीरे फेल होते गए। योगी सरकार ने सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया, उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्तियां की। बीते 7 साल यूपी में बहुत कुछ बदला है, बस्तियां उजड़ी भी बनी भी, लेकिन कहां ये बस फाइलें ही बता सकती हैं। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक कहावत है, इस सियासत का जो भी फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। बीते 7 साल यूपी में बहुत कुछ बदला है, बस्तियां उजड़ी भी बनी भी, लेकिन कहां ये बस फाइलें ही बता सकती हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 228 विधायकों वाली पार्टी पहले चुनाव में 52 पर अटक गई और दूसरे चुनाव में 108 पर। वहीं 1.5 दशक बाद सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा इतिहास रचते हुए पहली 335 सीटें जीतकर 2017 में सरकार बनाती हुई नजर आई। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया कभी भी घूम सकता है। जिन दावों और वादों के साथ सत्ता में भाजपा आई थी, वो दावे और वादे धीरे धीरे फेल होते गए। 2017 की जीत का सुरूर 2019 के लोकसभा चुनाव में तो दिखा, लेकिन 2022 की जीत का सुरूर 2024 में नहीं दिखा। 2024 में 80 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव में 33 पर अटक गई। हार का सदमा ऐसा लगा कि भाजपा के अपने लोग भी सरकार के खिलाफ बैटिंग करते नजर आए। किसी ने सरकार और संगठन की बात की तो किसी ने पहले से ही सरकार को चेता दिया कि यही हाल रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों के लाले पड़ जाएंगे। वहीं अब लोकसभा चुनाव में सियासी मात खाने के बाद उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संगठन को साधने में जुट गई है। पिछले 2.5 सालों से लटकी राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला अब यूपी में शुरू हो गया है। योगी सरकार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सूबे के निगम आयोग और बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य के तौर पर नियुक्त कर उन्हें खुश करने में जुट गई है। ये योगी सरकार की राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए सामाजिक समीकरण को फिर से मजबूत करने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च 2022 को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का गठन हुआ था। इसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार बनाम संगठन की सियासी तानातनी के चलते आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नामों पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। पिछले दिनों लखनऊ में संघ, सरकार और संगठन के बीच बैठक हुई। इसके बाद से ही अब राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। योगी सरकार ने सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया, उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2.5 साल के बाद राजनीतिक नियुक्ति की। सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग का राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। मिर्जापुर के सोहन लाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्यप्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नामित किया गया। 24 सदस्य भी बनाए गए, जिसमें सत्येंद्र कुमार बारी, मेलाराम पवार, फूलबदन कुशवाहा, विनोद यादव, शिवमंगल बयान, अशोक सिंह, ऋचा राजपूत, चिरंजीवी चौरसिया, रविन्द्र मणि, आरडी सिंह, कुलदीप विश्वकर्मा, लक्ष्मण सिंह, विनोद सिंह, रामशंकर साहू, डॉक्टर मुरहू राजभर, घनश्याम चौहान, जनार्दन गुप्ता, बाबा बालक, रमेश कश्यप, प्रमोद सैनी, करुणा शंकर पटेल, महेंद्र सिंह राणा और रामकृष्ण सिंह पटेल शामिल हैं। योगी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया है। आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 सदस्य नियुक्त किए गए। बाराबंकी से पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को यूपी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गोरखपुर से पूर्व विधायक बेचन राम और सोनभद्र के जीत सिंह खरवार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरेंद्र जाटव, महिपाल वाल्मीकि, संजय सिंह, दिनेश भारत, शिवनारायण सोनकर, नीरज गौतम, रमेश कुमार तूफानी, नरेंद्र सिंह खजूरी, तीजा राम, विनय राम, अनिता राम, रमेश चंद, मिठाई लाल, उमेश कठेरिया, अजय कोरी, जितेंद्र कुमार और अनिता कमल को आयोग का सदस्य बनाया गया है। योगी सरकार ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी की समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। पांडे की नियुक्ति के बाद बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। उपचुनाव से पहले योगी सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए सियासी समीकरण साधना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग की कमान योगी सरकार ने कुर्मी समुदाय के नेता को सौंपी है, तो अन्य ओबीसी जातियों को उपाध्यक्ष के तौर पर, साथ ही पाल समाज को अहमियत दी है। पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्यों के तौर पर अति पिछड़ी जातियों को खास तवज्जो दी गई।
इस तरह से योगी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की कमान पासी समुदाय उपाध्यक्ष के पद की कमान खरवार समाज को दी है। इसके अलावा दलितों की अन्य जातियों के नेताओं को भी जगह मिली है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमान ब्राह्मण समाज से आने वाली कीर्ति पांडे को सौंपी गई है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो बीजेपी ही नहीं बल्कि सीएम योगी की प्रतिष्ठा से भी जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही जीत सकी है और 2019 में जीती हुई अपनी 29 सीटें गंवानी पड़ गई हैं। यूपी में बीजेपी को जितनी सीटों का नुकसान हुआ उतनी ही संख्या बहुमत से कम है। यूपी में मिली हार ने बीजेपी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, जिसके चलते उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया और उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार करने से लेकर संगठन तक को साधने की कवायद कर रहे हैं। इसके लिए नाराज कार्यकर्ताओं नेताओं को मनाने में भी जुटे हैं, जिसके लिए राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पार्टी के बड़े नेताओं को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा एमएलसी और राज्यसभा बनने का भी मौका मिल जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को सत्ता में आने पर राजनीतिक नियुक्तियां मिलने की आस होती है। ऐसे में योगी सरकार ने अब नियुक्तियों का सिलसिला शुरू करके कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का दाव भी चल दिया है। राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों का कार्यकाल भी 2022 की शुरुआत में खत्म हो चुका है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष के साथ 25 सदस्यों के पद है। साल 2022 में सभी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके अलावा यूपी के 17 नगर निगम 200 नगर पालिका और 546 नगर पंचायत में मनोनीत पार्षदों सदस्यों की नियुक्ति होनी है, जो 2022 से खाली है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूर्व सैनिक कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश किन्नर विकास निगम, सिंधी अकादमी, पंजाब अकादमी, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की नियुक्तियां अभी नहीं हुई हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए सिर्फ बीजेपी में नेता ही नहीं दावेदार नहीं है। योगी सरकार में सहयोगी अपना दल, SRLD, सुभाषपा, निषाद पार्टी के नेता भी निगम आयोग और बोर्ड में अध्यक्ष सदस्य बनने की जुगत में हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले सपा, बसपा, कांग्रेस से आए नेता भी अब निगम आयोग और बोर्ड में जगह चाहते हैं। सत्ताधारी दल सूबे के निगम आयोग बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखना होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नियुक्तियों का असर अब आने वाले चुनाव में कितना पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर लौटेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।